इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई वीर राजा महाराजाओं का जिक्र होता है, कई खूबसूरत और वीरंगना महिलाओं के बारे में भी पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब हासिल था। जी हाँ, हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा की बात कर रहे हैं, जिन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा न केवल खूबसूरत थी बल्कि वह काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। राजकुमारी बहुत मेधावी और उन्हें एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई जब वह मात्र 14 साल की थी। वरीयता के अनुसार क्लियोपेट्रा और उनके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। क्लियोपेट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं थी। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया और क्लियोपेट्रा के खिलाफ उनका भाई विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपेट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपेट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और इस तरह वह सीरिया पहुंच गई। हालांकि इस बीच उनकी हिम्मत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली। उनकी यह चाल कामयाब रही और सीजर ने उनकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र की राजगद्दी पर बैठाया। इसके बाद राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह संबंध पसंद नहीं आया तो उन्होंने सीजर की हत्या करवा दी। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा को सीजर के एक सेनानायक एंटनी से प्यार हो गया। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे और किसी भी हालत में मिस्र की ही एक औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और वह अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ऑक्टेविनियन ने रोम की गद्दी संभाली। ऑक्टेविनियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेविनियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपेट्रा की हत्या करवा दी। इस तरह से 30 ईसा पूर्व क्लियोपेट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में भी तरह तरह की बातें कही गई। क्लियोपेट्रा की मृत्यु को लगभग 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी से जुड़ी तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ है। विश्व की सबसे खूबसूरत रानी की जिंदगी पर आज भी रहस्य बरकरार है।